हेलो फ्रेंड्स, इस समय 12:30 बज रहा है और मैं व्लॉग बना ही नहीं पाती क्योंकि पता नहीं क्यों एक महीने से सिर में बहुत दर्द रहता है मेरे। और घर की सफाई भी कहते हैं ना कि एंड टाइम पर ही काम होता है, तो थोड़ा 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 सफाई तो पूरा जितना बड़ा बड़ा सफाई वो हो गया था, लेकिन कल तक सफाई हुआ है तो आज तो हम फ्री हैं एकदम। लेकिन सिर का दर्द पता नहीं क्यों हमारे हमेशा जैसे रहता है मेरे सिर में दर्द। खैर वो तो है लेकिन काम तो घर का करना ही है। तो सुबह हम आलू बैंगन की सब्जी बनाए थे, जो मैं अपने हस्बैंड को रोटी सब्जी ही देना ही ठीक समझती हूँ क्योंकि फ्राई चीज़ तो ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए रोटी सब्जी बनाई थी। अब मेरी चेरी को, उनको बैगन की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, वो देख के खाना गुस्सा हो जाएगी कि आप बैगन की सब्जी बनाई क्यों। तो फिर कल हम 1 किलो मूली लिए थे, तो हमने सोचा कि चलो पराठा बनाते हैं तो लाडो पराठा खा लेंगी। अब पराठा देख के वो बहुत खुश हो जाएगी, तो वही सब धुल ली है, अब उसको कद्दूकस करके बनाना है। मैं पराठा कैसे बनाती हूँ आप लोगों को चलिए दिखाते हूँ। बहुत से लोग उसको पका के कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैंने मूली लिया था, ये 1 किलो मूली है, तो छील के इसको धुल के और छील के तब इसको कद्दूकस करने जा रहे हैं। ये पूरा कद्दूकस कर देंगे क्योंकि मैं स्टफ करती हूँ, तो थोड़ा 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 अगर डालेंगे तब भी बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ मैं और चेरी ही खाएंगे। 1 किलो मूली बस ही खत्म हो जाएगा पूरा। ये मूली पूरा है, देखने से इतना लग रहा है लेकिन हो जाएगा बहुत थोड़ा सा। ये लहसुन मिर्च और ये प्याज थोड़ा छोटा छोटा कटता है, इस समय मुझे कट नहीं पाया पता नहीं क्यों, और ये इसमें डाल देंगे। फिर इसमें नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे, कपड़े से निचोड़ेंगे। ये बहुत पानी छोड़ेगा, ये बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है। ये अभी और छोड़ेगा, इसीलिए हम इसको अभी बार बार निचोड़ेंगे, कई बार इसको रुक रुक के निचोड़ना है। तो खैर बहुत पानी छोड़ते ही है, हो गया बहुत थोड़ा सा। इसमें 5 पराठा बनेगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा बनेगा। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, अभी चेरी आई नहीं है स्कूल से,
आएगी तब बनाएंगे, तब तक और निचोड़ लेंगे, नहीं पराठा बनाते नहीं बनूंगा। हाँ बच्चा जरा सब पानी स्कूल बताई दिए दादी से, क्या हुआ कहाँ नहीं हुआ हमारे से बताए तो बता बच्चों। दही थोड़ा सा था इसलिए रायता जितना है बस उतना ही है। चम्मच भी छोटा ही है लड्डू। ये मेरे हस्बैंड का खाना है, हम लोग का खाना मूली का पराठा। आज तो वंश नहीं गया था लाडो, तो क्या कोई वर्क मिला है? नहीं। हाँ हाँ। ये सब्जेक्ट में चले जाए। और वो कितना पेज आज पढ़े थे तुम? मोरल मोरल। वाओ, ऐसे ये आगे पीछे की 1 2 3 आगे पीछे आगे पीछे। काहे तुम्ही को खड़ा की जानती है क्या? मेरी हाँ जानती भी है। जानती भी है। फिर तुम्हारी बुक लेके अलविदा पढ़ रही थी। अलविदा नहीं लाई थी क्या मुझे? नहीं। वाह, इतना होने के बावजूद। कौन सी मैम थे? जब इधर से ज्यादा चिट्टी पड़ जाए मतलब एकदम खर हो जाए लाल लाल तब भी लगाना चाहिए। लाडू निकालो जो तुमको लेना है बेटा पराठे के साथ। हाँ ले लो, और जो सब्जी बचा है वो लेना है? नहीं। ले लो मेरा सब्जी हमारा साफ है। तुम क्यों चावल के साथ नहीं खाएंगे क्या? हम रायता है। रायता चावल? बाप रे बाप, ऐसे कौन खाता है? ये खाते हैं। बैगन की सब्जी अगर रहता तो ये बिल्कुल खाना ना खाती, समझे? भिंडी चावल दाल भिंडी रोटी दाल बनाए। हाँ क्यों बनाए हैं और क्या? क्यों ये इसी कुकर में दाल रखी है? तो दाल आज ना आए, आज खिलाएंगे ना इसको। तो मस्त क्या खाने, देखने से नहीं खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। बहुत से लोग इसको पका के बनाते हैं लेकिन
हम ये बनाते हैं सब, हम ऐसी बनाते हैं। कैसे अच्छी लगती है। कल तुम नहीं जाओगी तो कल बैंक चलेंगे, हाफ डे रहेगा, हाफ डे में कुछ नहीं कराती हैं। और कम बच्चे आएंगे क्योंकि धनतेरस रहेगा, कम बच्चे वाले दिन काम भी नहीं कराती। नहीं ये बात नहीं है, कल चलेंगे बैंक धनुष तो हम पटाखा भी ला के आएंगे। हाफ डे रहेगा, ऊपर से कम बच्चे आएंगे और ऊपर से दिया डेकोरेशन कराएंगी तो और कोई नहीं आने वाला। ये बात नहीं है, दिया डेकोरेशन भी रखेंगी तो क्या करेंगी वो, मार्क्स तो मिल रहा है दिवाली को एक बनवा लिए। हाँ इसलिए हम ये बना रहे हैं ना, कोई बना रहा बहुत कम बच्चे बना रहे। अच्छा है ना, अच्छा लगता है उससे, थोड़ी सोची कि थोड़ा सा चेंज हो जाए लाडो, चेंज थोड़ा सा खा लो। 20 रुपया किलो मूली लिए थे, यहीं से ऐसे गऊ घाट में है जहाँ पे सब्जी मंडी है, 40 रुपया किलो और कोई कोई 60 दे रहा है। ये ढेर सारा लेके जा रहा है। और लडवा के मतलब तो बोल रहा, मुझे पटाखा बहुत पसंद है। हाँ अब पहली बार तो सीजन का पहला ही बन रहा है। गोभी पराठा, आलू पराठा, मूली पराठा। हाँ तो मुझे भी यही सब पसंद है, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा, हमको भी यही सब पसंद है। और रायता और चावल कौन खाता है ये सोचिए, आप एक अनोखे हैं, मेरे पति एक अनोखे इंसान है भाई, चावल और रायता कौन खाता है। कभी कभी कुछ नहीं खाएंगे, कभी कभी कुछ भी खाते हैं। हाँ मुश्किल है इनको समझना, मुश्किल है आपकी पोती कह रही है, कह रही इनको समझना मुश्किल है।